कृतिका सिंह, स्त्री एवं बांझपन रोग के विशेषज्ञ शारदा नारायण हॉस्पिटल। आज मैं आपके साथ गर्भावस्था और कोरोना वायरस के बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाहती हूँ। क्या गर्भवती महिला को कोरोना वायरस के संक्रमण होने का अधिक खतरा है? इस समय वर्तमान में हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा गर्भवती महिला को उतना ही है जितना किसी आम आदमी को है। परंतु गर्भावस्था के दौरान शरीर में आने वाले बदलावों के कारण गर्भवती महिला को ये कहा जाता है कि वो अपने आप को बचाव करें। इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे बचने के लिए गर्भवती महिला को वो सभी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जो कि एक आम आदमी को बताई जाती हैं। अपने हाथों को साबुन और पानी से रिपीटेडली कई बार धोना चाहिए। चेहरे पे मास्क का उपयोग करना चाहिए। सर्दी खांसी या जुकाम हो तो मास्क ज़रूर लगाना चाहिए। किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिसको संक्रमण की आशंका है या संक्रमित है उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। क्या कोविड इन्फेक्शन के दौरान गर्भधारण करना सही है? क्या वो समस्या पैदा कर सकता है? हमें इस बारे में ये पूरी तरह से नहीं पता है कि गर्भ अवस्था या प्रसव के दौरान नवजात शिशु के ऊपर कोरोना वायरस से कोई खतरा है कि नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पे इन सभी उपायों को जिससे गर्भधारण किया जा सकता है या उपचारों को कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए। क्या गर्भवती महिला से भ्रूण में या नवजात शिशु को कोरोना वायरस या कोविड-19 का इन्फेक्शन पारित किया जा सकता है? हमें अभी इसके बारे में नहीं ज़्यादा जानकारी मिली है, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं जिनको कोविड इन्फेक्शन था और उनके प्रसव के बाद जब शिशु की जांच की गई है तो उनके अंदर वो इन्फेक्शन नेगेटिव पाया गया है। यही नहीं, स्तन के दूध में और एम्नियोटिक फ्लूइड, जिसको कि पानी की थैली कहते हैं, उसके अंदर भी कोविड-19 के इन्फेक्शन नहीं मिले हैं। तो यह कहना कि यह इन्फेक्शन माँ से बच्चे को ट्रांसफ़र होता है बहुत उचित नहीं होगा। स्तनपान कोरोना वायरस, क्या हमें स्तनपान कराना चाहिए अगर कोविड वायरस का इन्फेक्शन है? ये कहा जाता है कि स्तन का दूध बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ है और किसी भी गर्भवती महिला को प्रसव के बाद अपने परिवार और डॉक्टर की सलाह के बाद स्तनपान ज़रूर कराना चाहिए। परंतु स्तनपान कराते समय उनको उसको ध्यान देना चाहिए कि वो अपने हाथों को साफ करे, स्तन को अच्छे से साफ करे और शिशु को दूध पिलाने से पहले एक मास्क का ज़रूर पहने। यदि वो अपना दूध जो है किसी आर्टिफिशियल पंप से निकाल रही है तो निश्चित हाथ धो के आर्टिफिशियल पंप को इस्तेमाल करना चाहिए और तब दूध निकाल के बच्चे को पिलाना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर इस बीमारी से लड़ें। एक दूरी बना के रखें, हाथों को निरंतर साबुन और पानी से साफ करें, मास्क पहनें और सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करें। गर्भावस्था और कोरोना वायरस के बारे में अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे लिखे हुए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं।